तो यार आज हम बनाने वाले सूपी चिली मैगी बोल देख के लग रहा होगा आपको यार मतलब देख के लग रही होगी ना अंदर से फील आ रही होगी <laughs> तो देखो मेरे कैमरे यहाँ पे तो मेरी क्वालिटी फिर टंकी है कैमरे की बट जहाँ मेरा वो सेटअप है ना वहाँ की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है नहीं ये भी सेटअप ही एक तरह से बट जहाँ मेरी गैस मतलब जो मेन सेटअप है ना जहाँ गैस पर तो कुकिंग वगैरह होती है वो सेटअप मेरा टन का नहीं है तो थोड़ा सा आपको लाइट वगैरह में आपको गंदा सा दिखे तो कुछ मैं कह नहीं सकती हूँ हाँ मतलब यहाँ पर ना थोड़ी सी लाइट वाइट का लफड़ा पड़ जाता है मतलब है नहीं इसमें लाइट खैर कोई तो बीस ही में काम चल रहा है ना तो सिंपली यहाँ पर ना आपको जितनी वेजीज मैंने दिखाई ना मैं तो भूली गई मैंने क्या दिखाया आपको तो बस वही आपको यहाँ पे लेनी है अच्छे से है ना फिर तेल के अंदर डायरेक्टली आप प्याज डाल दो कोई रसन जीरा वगैरह कुछ नहीं डालना अपने को मैगी बना रहे हैं भाई हम खिचड़ी नहीं बना रहे है ना डायरेक्टली यहां पर आप डाल दो प्याज मैं पता राइट जब डालती हूँ मैगी में जब मुझे ना देसी स्टाइल की खाने का मन होता है बट मेरे को ऐसा कुछ मन था नहीं मेरा मैंने तो सप्पी बनानी थी एकदम बढ़िया वाली तो यहाँ पर मैंने प्याज डाल दिया और शिमला मिर्ची मेरे पास थी नहीं तो उसका मैंने अल्टरनेटिव यहाँ पर मैंने जो जालपेन होती है ना मोटी वाली मिर्ची वहाँ पे वो ले ली मैंने बढ़िया है मतलब एकदम है ना तो उसको मैंने ऐसे बारीक बारीक काट इसमें डाल दिया अब इसके अंदर जाएगी आ, क्या कहते हैं अपने टमाटर है ना टमाटर जाएंगे और धनिया मेन इन्ग्रीडियंट है धनिया क्योंकि मैगी में बहुत सही लगती है आपको नहीं लगती तो मत डालना है ना कोई दिक्कत नहीं है अपने तो बस यहाँ पे मैंने टमाटर डाल दिया अब उसको अच्छे से मिला लो और बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार और क्या ही है ना मतलब कहते कहते थक जाते करते ही नहीं हो यार समझ में ही नहीं आता है ना तो बस अच्छे से यहाँ पर मैंने इसको मिला दिया है अब इसको बस पकने देना है थोड़ा सा आपको है ना अब बढ़िया सा भुन लो है ना कहीं क्या सकती हूँ मैं इसमें <laughs> थोड़ा सा टमाटर डालें ना थोड़ा सा नमक जाएगा जिससे क्या होगा टमाटर अपने अच्छे से पक जाएंगे और कही है, है ना और यहाँ पर मैंने मिर्ची भी डाल दी थी है, है ना अब सब सामान में डाल दूंगी यहाँ पर देखते जाओ आप बस <laughs> यहाँ पर मैंने रेड चिली पाउडर डाल दिया है और शेजान चटनी मेन है है ना तो वो डाल दिए अब उसको अच्छे से मैंने मिला लिया है ना शेजवान चटनी से क्या थोड़ा सा वो चिली जो हमने नाम दिया है ना सूपी चिली में आई तो वो बस चिली वाला फ्लेवर यहाँ पे शेजवान चटनी बहुत सही देती है शेजवान चटनी ना मतलब मिर्ची का काम तो यार क्या ही करती है ना यार मतलब मिर्ची तो देती ही देती है बट जो भी चीज़ होती है ना उसको फ्लेवरफुल बना देती है एकदम बढ़िया वाले है ना तो यहाँ पर मैंने फिर कैच बिल्कुल ऑप्शनल है अगर आपको नॉर्मल खाना हो मतलब एकदम ही तीखा खाना हो तो आप कैच का यूज़ मत करना मेरे को तो नॉर्मल खाना था जैसे चाउमीन वगैरह होती है ना मैं तो वैसे ही वाली मूड में थी फिर मैंने सोचा यहाँ पर डाल के देख लेते धनिया हल्दी कहीं दिक्कत है यार देसी बनाई दिया मैंने तो यार है ना तो मतलब मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं बस बनाई जा रही थी और सही में जो इसका एंड का टेस्ट लुक और वो है ना तो वो कुछ कहने को नहीं है बस इसमें ना एक चीज़ आपने भी नोटिस करी होगी वो मैं बताऊँगी नहीं अभी आपको और नोटिस करता जाओ मैंने क्या इसमें गलती करी है? है ना मैं एंड में बताऊँगी मैंने ही गलती करी है इसके अंदर और वो इतनी बड़ी गलती है ना कि बस है ना और पर उस गलती का ना पता नहीं चल रहा था बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था खैर छोड़ो अब एंड में बताऊँगी आप देखते जाओ भाई एंड तक है ना वो गलती सुननी है तो एंड तक देखो <laughs> है ना तो यहाँ पर मैंने अब सिंपली यहाँ पे पानी जाएगा और यहाँ पे अपना मैगी का जो पाउच था ना मैगी होती है अपनी वो सिंपल <laughs> वो जाएगी अब इसका अच्छा कुक कर लो है ना बहुत बढ़िया वाला कुक कर लो और ये मस्त बन के रेडी है देख सकते हो यहाँ पे ना क्या ही लग रही है है ना क्या ही लग रही है सही में और यहाँ पे मैंने धनिया डाल दी ऊपर से और अब बस धनिया एंड में ही निकालना जब आपको सर्व करनी हो ना तब आप उसमें धनिया डाल देना और इसको निकाल लो और मैंने इसको ऊपर से ना थोड़ी सी अनियन वगैरह से डेकोरेट कर ही दी थी थे। जैसे स्टार्टिंग में देख लिया होगा आपने तो बस यार, यार मतलब क्या ही टेस्ट था इसका क्या ही लुक था तो मैं चलो गलती बता ही देती हूँ अब तो एंड आई है <laughs> तो यहाँ पे मैंने ना यार टेस्ट मेकर डालना भूल गई मैं और मैंने पूरी मैगी सपाट कर दी टेस्ट मेकर का नामो निशान नहीं था और मेरे को पता भी नहीं चला कि मैंने टेस्ट मेकर नहीं डाला है है ना है ना बढ़िया गलती तो अब कुछ हो नहीं सकता था क्योंकि मैगी सपाट हो चुकी थी